गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर सेकंड ईयर बिजनेस स्टडी के स्टडी में यूनिट सेकंड आपकी सॉरी यूनिट फर्स्ट आपकी चल रही थी। ओके, यूनिट फर्स्ट के अंदर व्यवसाय अध्ययन पाठ्यपुस्तक का संगठन आज मैं आपको बता रही हूँ। अब व्यवसाय अध्ययन पाठ्यपुस्तक का संगठन मतलब है कि बेसिकली पाठ्य जो वस्तु है, ठीक है, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर जितनी भी पाठ्य वस्तुएँ होते हैं उसका संगठन किस प्रकार का होना चाहिए। वैसे यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सार्थक एवं सफल शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि व्यवहार अध्ययन पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करके क्या किया जाए, संगठित कर दिया जाता है, संगठित किया जाता है। क्योंकि अगर हमें सफल शिक्षण चाहिए, सफल शिक्षण एक अच्छा सक्सेसफुल सफल शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि व्यवसाय अध्ययन के लिए जो जितनी भी व्यापार पद्धति से रिलेटेड जितनी भी सहायक सामग्री है या पाठ्य सामग्री उसे एक तरह से सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। अब पाठ्य वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पाठ्य वस्तु को सीखने में छात्रों को क्या कम लगता है, एक सरलता का अनुभव होता है या मतलब एक तरह से अनुरूप हो उसके। क्योंकि हमें पता है कि पाठ्य सामग्री को सीखना जाता है तो वो इस प्रकार सीखा जाए कि सीखने में छात्रों को सरलता का अनुरूप हो। तो सत्य बात यह होती है कि पाठ्य वस्तु समाहित कर पाठ्य वस्तु क्या करना चाहिए, पाठ्य वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संगठन का अपना अलग अलग क्या होता है, महत्व और या फिर अस्तित्व होता है। तो पाठ्य वस्तु को प्रभावशीलता को स्थान प्रदान करने के लिए पाठ्य वस्तु के संगठन को निर्मित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन से पहले नंबर की बात आती है, पाठ्य वस्तु को को ध्यान में रखकर दूसरों को ध्यान में रखकर क्रियाओं परियोजनाओं और कार्यपालकों खाना चाहिए। देखो
प्रक्रिया और परियोजना और कार्यकाल को समाहित किया जाना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम जब निर्धारित किया जाता है तो पाठ्य वस्तु जब हम ले रहे हैं उसके अंदर तो किस प्रकार की ले रहे हैं, बच्चों की आवश्यकता और स्तर और बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके माध्यम से हम उसकी योजना बनानी चाहिए। फिर दूसरा आता है पाठ्य सामग्री के संदर्भ में देरी। पाठ्य सामग्री के संगठन की प्रक्रिया समग्र रूप से लचीली होनी चाहिए। लचीली का सेंस है कि समय अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए, कि हमें पता है कि पहले की शिक्षा व्यवस्था थी और अब जो नई नई टेक्निक्स आई है तो उसके भी हाफ पर उसमें कई प्रकार के पाठ्यों को जो क्रम होता है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक तरह से पाठ्य वस्तु भी लचीली होनी चाहिए, जिसके भी हाफ पर पाठ्य सामग्री के ढांचे में नवीन व्यवस्था के अनुरूप भी पाठ्य वस्तु को निर्धारित किया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु का संगठन जैसे अर्थशास्त्र की पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखकर विषय के पाठ्यक्रम संगठन में कक्षा के भीतर सीखने के सीखने के अनुभवों और
अनुभवों में संतुलन बनाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज़ को जब पाठ्य वस्तु को समझेंगे, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चे को ये पता चलता है कि हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है। अगर इसके अभाव में कोई भी शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती और बच्चे अपने लक्ष्य को पूर्ति नहीं कर सकते, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक चार दिवाली के अंदर क्या हो रहा है और कक्षा के चार दिवाली के बाहर के अनुभवों को बच्चे क्या करें, उस दोनों में समय स्थापित करने की कला उनके अंदर से हो सके। तो व्यवसाय अध्ययन पाठ्य वस्तु का संगठन किस प्रकार से था, इस प्रकार से था।